हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू चैप्टर, जिसका नाम है टेसु राजा। और ये एक कविता है, पोम है। और इसमें पोम हम कैसे पढ़ेंगे, ये सवाल जवाब के रूप में ये कविता है। हम सवाल इसमें है, फिर उसका हम जवाब दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे हम इस कविता को पढ़ेंगे और आप सब भी मेरे साथ पढ़ना, आप सबों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या है कविता का नाम, बोलिए मेरे साथ। टेसु राजा, ये लेसन 11 है। टेसु राजा बीच बाजार। एक किंग है, यहाँ आप पिक्चर में देखो, ये एक राजा है किंग, जिसका नाम है टेसु। और ये कहाँ खड़ा है, बीच बाजार। बाजार मीन्स मार्केट, ये बीच में खड़ा है। ये ज के नीचे एक डॉट है, जिसे हम नुक्ता बोलते हैं। तो हम इसे बाजार नहीं बोलते, बाजार बोलते हैं। खड़े हुए ले रहे अनार। तो टेसु राजा बीच बाजार में खड़े होकर क्या ले रहे हैं, अनार। अनार हम किसको बोलते हैं, पॉमीग्रेनेट को। ये फ्रूट है, फल है। इस अनार में कितने दाने, इस अनार में कितने दाने हैं, कितने सीड्स हैं। जितने हो कंबल में खाने। तो जितने कंबल में खाने, खाने का मतलब कंबल में, कंबल मीन्स ब्लैंकेट में जितने ब्लॉक होते हैं, उतने ही अनार में दाने होते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोलती हूँ। टेसु राजा बीच बाजार, ये फलों का मार्केट या बाजार है, जहाँ टेसु राजा खड़े हैं और वो क्या ले रहे हैं, अनार ले रहे हैं। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। फिर क्वेश्चन क्या आता है, सवाल क्या करते हैं, कितने हैं कंबल में खाने, कंबल में कितने खाने हैं। भेड़ भला क्यों लगी बताने। तो ये भेड़ क्यों बताएगी, भेड़ का मतलब शिप, है ना, जिससे हमें ऊन मिलती है। तो इसका आंसर है, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के बाद, प्रश्न के बाद हम क्या देते हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। तो भेड़ कभी भी जब जाती है, आपने देखा होगा, तो वो झुंड में जाती है। तो एक झुंड, फिर यहाँ क्वेश्चन आता है, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। पत्ती मतलब लीफ, है ना। तो एक झुंड में कितनी भेड़े हैं, इसका आंसर है एक पेड़ पर पत्ती जितनी। तो यहाँ है ना, पहले क्वेश्चन फिर उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 63। एक पेड़ पर कितने पत्ते, यहाँ देखिए आप, इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं, आप काउंट कर सकते हो। जितने गोपी के घर लगते। तो एक पेड़ पर कितने पत्ते होंगे, तो उतने ही होंगे जितने गोपी के घर लगते। लगते का मतलब होता है कपड़ा, क्लोथ्स। ओके, तो जितने गोपी के घर लगते। फिर क्वेश्चन क्या आ रहा है, गोपी के घर लगते कितने, मतलब लगते मीन्स कपड़ा। तो गोपी के घर कितने लगते हैं कपड़े हैं, कलकत्ते में कुत्ते जितने। जितने कलकत्ते में, कलकत्ता क्या है, शहर है, तो वहां पे जितने कुत्ते हैं, डॉग्स हैं। ओके, 20,23,000। 20 मतलब 20, 23 मीन्स 23। तो 20,23,000 दाने वाला एक अनार। एक अनार में कितने सारे दाने हैं, 20,23,000। तो बहुत ज्यादा हुए। टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो टेसु राजा क्या बोलते हैं, पुकार कर, मतलब पुकार कर बोले, यानी जोर से बोला कि मुझे चार अनार दे दो, जिसमें एक अनार में कितने दाने हैं, 20,23,000। तो वो अनार तो बहुत बड़ा होगा। तो ये थी कविता टेसु राजा बीच बाजार। आई होप आपको समझ में आई होगी। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सवाल जवाब। गिनत अनगिनत, गिनत मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनगिनत जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें काउंट किया जा सकता है, और कुछ चीजों को नहीं। जिन चीजों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। जिन्हें आप काउंट कर सकते हो उसके आगे आपको क्या लिखना है, हाँ लिखना है, यस। और जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो उनके आगे लिखना है नहीं। तो आइए देखते हैं।
कंबल के खाने, मींस कंबल में आपने देखा होगा जो पुराने ब्लैंकेट होते होंगे, अभी तो बहुत डिजाइन डिजाइन के ब्लैंकेट आते हैं, लेकिन पुराने ब्लैंकेट में ब्लॉक्स बने होते थे, तो उन खानों, उससे हम ब्लॉक्स को खाना बोलते हैं। तो कंबल के खाने को हम गिन सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट है सिर के बाल। आप अपने सिर के बाल को देखो, आप काउंट कर सकते हो? नहीं। घर के लोग, आपके घर में कितने लोग हैं, तो इसे तो हम काउंट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे हाँ। चींटी के पैर, चींटी यानी एंट, तो एंट के पैर को हम काउंट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे हाँ। कमीज के बटन, कमीज मीन्स शर्ट, तो शर्ट के बटन को हम काउंट कर सकते हैं, हाँ इजली कर सकते हैं। पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते, पत्ते मतलब लीफ, तो ट्री के लीव्स को आप काउंट कर सकते हो? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा होते हैं। आसमान के तारे, आसमान में, स्काई में जो स्टार्स होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कॉपी के पन्ने, कॉपी के पन्ने का मतलब कॉपी के जो पेजेस होते हैं उन्हें क्या हम काउंट कर सकते हैं? हाँ, ये तो हम खेलते भी थे जब हम छोटे थे, तो हम काउंट करके खेलते थे कि तुम्हारी कॉपी में कितने पन्ने हैं और हमारी कॉपी में कितने पन्ने हैं। अपने कपड़े, अपने कपड़ों को आप काउंट कर सकते हो? हाँ। स्कूल के बच्चे, हाँ। तो इस तरह हमने ये कंप्लीट किया, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कवि बन जाओ तुम, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो, तो आपको खुद से कविता लिखनी है, पोम लिखनी है, तो मैंने क्या लिखा है, इसे आगे बढ़ाया है। कलकत्ते में कुत्ते कितने, नागपुर में संतरे जितने, संतरे मीन्स ऑरेंज, नागपुर में संतरे कितने, सरसों के दाने हैं जितने, है ना, सरसों मीन्स मस्टर्ड के जितने दाने हैं उतने ही नागपुर में संतरे। तो ऐसे आपको जो भी आपको खुद से आ रहा है वो आप कविता बना सकते हो, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।